जगत दर्शन न्यूज। जन स्वराज पद यात्रा को माजी विधानसभा में मजबूत करेंगे उदय शंकर सिंह। बिहार की पद यात्रा पर निकले जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने के लिए आने वाले दिनों में माजी विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा करेंगे कौरू थौरू पंचायत के मुख्यापति उदय शंकर सिंह। बताते चले कि पिछले दिनों पद यात्रा के सिलसिले में वैशाली के महानार में पहुंचे प्रशांत किशोर से एक दर्जन मुखिया संघ अपने दर्जनों शुभ चिंतकों के साथ मिलने पहुंचे थे। श्री सिंह उन्होंने आश्वस्त किया था कि सारण जिले में इस आंदोलन को धारदार बनाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि वे प्रशांत किशोर के निर्देश पर सारण जिले में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं। पहले चरण में वे मुखिया से मिलकर अगली रणनीति बनाने में प्रयासरत हैं तथा आने वाले दिनों में वे माझी विधानसभा क्षेत्र के व्यापक पद यात्रा की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में एक सशक्त संगठन बनाने की दिशा में प्रदेश भर में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। माझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। अब जन जागृति के पीछे मेरी सोच ये है, इसको ईमानदारी और शुद्धता से किया जाए तभी लोगों को समझ में आएगा। इसीलिए हम पैदल चल रहे हैं, इसीलिए गाड़ी पर नहीं बैठते हैं, इसीलिए घर नहीं जाते हैं, क्योंकि लोग हमारे घर जाने से गाड़ी पर बैठने से लोग शिक्षा कम नहीं होगी, लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि इसकी शुद्धता ही इसकी ताकत हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप और हम छठ का व्रत करते हैं, लड़का आपका बॉम्बे में है लेकिन आप व्रत अपने गांव में रखते हैं और निर्जला रहते हैं, ये सोच के कि आपके व्रत की ताकत से आपके लड़के को फायदा होगा। तो हमने वो जो व्रत लिया है कि अगर हम ईमानदारी से पैदल चल के इसको शुद्धता से करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में इसकी ताकत दिखेगी। शंकर सिंह मुख्य प्रतिनिधि कौर धौरू, अभी बिहार के बदहाली पर माननीय प्रशांत किशोर जी द्वारा जन स्वराज के बैनर तले पूरे बिहार में भ्रमण कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2022 चालू किए हैं। इसमें मैं बरेजा में उनसे मुलाकात किए थे एवं बरेजा भोपाल को सोनपुर में मुलाकात के बाद मैं उनसे बहुत बहुत काफ़ी प्रभावित हुए एवं उनके सुझाव पर उनके बुलावा पर मैं उनसे प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रखंड के एक गए थे मिलने। उनसे अच्छी तरह से बातचीत हुई, मीटिंग की योग किया, उनसे हम लोग भी प्रभावित हुए, वो हम लोग से भी प्रभावित हुए। उसके बाद उनके द्वारा ये बोला गया कि अब मांझी में लगिए और लगने का एक सुझाव दिया गया। हमारे उस तारीख उस दिन से रेगुलर पूरा मांझी विधानसभा हो या जिला के अंदर जो भी मेरे अपने लोगों हैं उनसे मिलकर अधिक से अधिक लोग प्रशांत किशोर जी को आवाज़ बनने की मैं कोशिश कर रहा हूं और आगे बनते रहूंगा। मेरी यही ये थी है शुभकामना है कि प्रशांत किशोर जी आप आगे बढ़ें, हम आपके पीछे साथ। मेरा अगला कदम है कि हर पंचायत लेवल से लेकर प्रखंड और जिला लेवल पर गाँव घूमकर पर लोगों को जागरूक करेंगे, मीटिंग करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर पदयात्रा भी मैं निकालूंगा अपने लोगों को लेकर। मेरे ही संगठन मजबूत करने के मुख्य उद्देश्य।